हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी मार्केट स्टाइल, जो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या लेना है। इसमें हमें ले लिया हमने बॉयल गोभी, सबको अच्छे से बॉयल कर लिया है। गोभी, चुकंदर, आलू और मटर सबको बॉयल करने के बाद हम अलग से प्रिपरेशन करेंगे। इसमें अनियन, कैप्सिकम, टमाटर सबको अच्छे से चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है लहसुन और हरी मिर्च, उसकी भी हमें पेस्ट बना लेनी है। उसको पेस्ट बनाने के बाद, ये ऑप्शनल है, आप उसमें बटर से बनाएं या फिर ऑयल में, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर चॉइस है। तो चलिए मैं तो बनाने जा रही हूँ इसको फ्रेंड्स बटर में, जो बहुत ही यमी लगेगी। और चलिए देखिए बटर, तो बटर फ्रेंड डालते समय आपको फ्लेम लो कर देना है, वरना बटर जल जाएगा आपका। उसके बाद इसमें हम सारी वेजिस डाल देंगे अनियन के साथ में ही, अनियन के साथ कैप्सिकम, बटर, आलू, चुकंदर सब चीज़ डाल देंगे इसमें। तो सारी सब्जियां सॉटे कर लेंगे अच्छे से। सब चीज़ डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया बीटरूट डालने से। अगर आप फूड कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बीटरूट तो ज़रूर ही यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, रिच एकदम मार्केट स्टाइल। आप मार्केट की भी खाना भूल जाएंगे जब आप घर पे ये वाली ट्राई करेंगे। इसके बाद हम सारे डाल देंगे स्पाइसेस, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च तो ज़रूर यूज़ करें, और पाव भाजी मसाला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाव भाजी मसाला तो ज़रूर ही होना चाहिए। और लास्ट में इसमें हमने डाल दिया है लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट और एक चुकंदर जो बचा हुआ था उसका हमने पानी का घोल बना के डाल दिया। इसमें नमक डाल देंगे, तो अच्छे से मिला लेंगे पानी डालने के बाद। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर आया एकदम, ये आप बना के देखेंगे तो आप मार्केट की भी नहीं खाएंगे। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बना के देखिए। इसके बाद में हम मारेंगे तड़का, कश्मीरी मिर्च, बटर, पाव भाजी मसाला डाल के एक बार फिर ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, और बटर तो आप इसमें अच्छे से डालिए तभी आपको टेस्ट मालूम होगा। और धनिया डाल के इसको अच्छे से हम गार्निश कर लेंगे। उसके बाद तवे में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और हरी धनिया और थोड़ी सी ग्रेवी आप डाल दो। उसके बाद इसमें आप पाव को सेको तो आपको एकदम स्ट्रीट वाला पाव भाजी टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इसको करना ना भूलिए, अगर आपको स्ट्रीट वाली पाव भाजी का टेस्ट लेना है तो प्लीज़ ये करिए और फॉलो करिए मेरे वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार ये, तो फ्रेंड्स एक बार इसको ज़रूर बना के देखिए आप मार्केट की शायद। तो फ्रेंड्स खाएं, एंजॉय करें, बाय बाय।